को भीम आर्मी टीम की ओर से जय भीम। और मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले एक साल के अंदर हम लोगों को जो जिंदा रखने का काम आप लोगों ने किया है, पूरी टीम आपकी आभारी है। प्लस वो लोग आभारी हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन्होंने जेलों में ठूसा गया था और आपकी आप ही लोगों के प्रेशर से आज उन लोगों की जमानतें हो पाई हैं। आज का मेन विषय जो है वो 2 तारीख की में जो घटना हुई है वो है। आप लोगों के माध्यम से सरकार से मेरी अपील है कि वो एक न्यायिक जांच कमेटी बनाए जो सही निर्णय दे सके। दूसरी बात ये कि निरंतर प्रताड़ना कर करके नए नए लड़कों को जिनके एग्जाम चल रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उनको टारगेट बना करके जेलों में ठूसा जा रहा है। जहां तक भी किया जा रहा है शोषण, बहुत बुरी हद तक शोषण किया जा रहा है। आप जेलों में डाल सकते हैं डाल दीजिए, उठाएं चलान करें जेल भेज दें, लेकिन उसके जो बीच की प्रक्रिया शासन ने प्लस यहाँ के सरकार के कुछ गुंडे हैं जो सरकार के आने के बाद निरंतर से अपनी एक्टिविटी में लगे हुए हैं, वो जो पीटने वाली प्रक्रिया चल रही है उसे बंद कर दें। अभी हम लोग 18 तारीख को सामूहिक तौर पर गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं। वो कैसे कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों ने ज्यादा शोषण किया या यहाँ की जो सरकारें हैं हम लोगों पर वो ज्यादा शोषण करती है। मरते भी लोग हैं, पिटते भी लोग हैं, दोषी भी वही लोग हैं। आंदोलन अब से पहले भी इस देश के अंदर हुए हैं, पहली बार ये आंदोलन नहीं हुआ है। ये आंदोलन इतना उग्र क्यों हुआ ये भी जानने का विषय है। दंगइयों ने दंगा की, निर्दोष लोग पिटे, कुछ के घर के चिराग बुझ गए, सरकार को फिर भी शर्म नहीं आ रही है। तो 18 तारीख के अंदर हम लोग सरकार की दमनकारी नीति की इंतहा कितनी है वो देखना चाहते हैं। हम लोग मुंह पर काली पट्टी बांध करके पूरे देश से वो लोग जो अम्बेडकरवादी हैं या वो लोग जो मन पसंद और न्याय इस देश में चाहते हैं वो लोग 18 तारीख को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहुंचे। सरकार से मेरी एक और गुजारिश है कि 18 तारीख में जो उनकी जो मन बन पड़ सकता वो कर सके, क्योंकि मैंने देखा है जब कहीं पर प्रोटेस्ट होते हैं लाठी चार्ज होता है, फुहारे की पानी से फुहारे से बौछार की जाती है, रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन हम लोगों में पता नहीं ऐसे कांटे क्यों हैं कि हम लोगों के लिए सिर्फ 2 योजनाएं सरकार ने लागू की हुई है इस बार, पहला लाठी चलेगी दूसरा गोली चलेगी। तो 18 तारीख को वही हम लोगों को देखना है कि लाठी भी चलाएं और गोली भी चलाएं। हम लोग तैयार होकर आएंगे घर न जाने के लिए। उधर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जो पिछले काफी समय से बीमार भी चल रहे हैं, कल को साथी मिलने के लिए गए थे, बताया कि बहुत परेशान है वो, आज से वो हड़ताल में बैठ गए हैं। और मुझे लगता है कि सरकार चाहती भी यही है कि ऐसे वो लोग जो समाज के उत्थान के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं उन लोगों की संख्या कम कर दी जाए। तरीका कोई सा भी हो, वो भूख हड़ताल के दौरान मरे या फिर उनको स्लो पोइजन दिया जाए या फिर सड़कों पर गोली मार दी जाए या फिर ईंटों वगैरह से कुचल कर मार दिया जाए, हाँ, या फिर हाथ मत्या कर दे तो करेंगे क्या। और जब कोई चारा नहीं बचेगा तो लास्ट में यही आंदोलनकारी का अंत है। अभी एक लिस्ट चल रही है व्हाट्सएप यूट्यूब के माध्यम से, उसमें अभी एक लड़का है मेरठ का गोपी, 98 लोगों की वो लिस्ट है, कल उसको गोली मार दी गई है। उसका नाम एक नंबर पर था, और इसके अंदर सांप्रदायिकता या जातिवाद खड़ा करके राजनीति को सर्वसाकार कर देना चाहते हैं। अब आप लोगों को यह सोचना होगा कि आप सब लोग जो इस देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाले लोग हैं, किस देश की व्यवस्था को किस ओर मोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर चाहेंगे, इस देश के नेताओं की, इस देश के प्रशासन की इतनी औकात नहीं कि उस देश को गलत व्यवस्था की ओर मोड़ दे। इस देश की स्थिति ग्रहयुद्ध की ओर अग्रसर कर दी गई है, जिसका आगाज इन लोगों ने 2 तारीख में कर दिया है। लेकिन हम भी अंबेडकरवादी लोग हैं,
हम इस देश को ग्रह युद्ध की स्थिति की ओर अग्रसर नहीं होने देंगे। अभी 10 लोग मरे हैं, ये हम हमारे ऊपर 10,000 लोगों पर और गोली चला सकते हैं। इनको खुला चैलेंज है कि हम 10,000 लोगों पर गोली चलाएंगे। और इस बार जो थोड़ा बहुत विरोध किसी ने किया भी है, हम लोग इतना भी विरोध नहीं करेंगे। हम 10,000 के 10,000 लोग मरने के लिए तैयार होंगे, लेकिन देश की व्यवस्था को परिवर्तन करने में अगर हम लोगों के प्राणों की आहुति चली जाती है तो हम लोग अब इससे ज्यादा खुशकिस्मती अपनी नहीं मानेंगे। और आप लोगों के माध्यम से उन आरएसएस और संघी जो है, मैं सब लोगों को गलत नहीं मानता, लेकिन वो लोग जो इस बर्बरता की हद पार कर देना चाहते हैं, वो किसी भी मामले को लेकर के, मेरी उनसे अपील है कि साथियों, बहुत कुछ हो चुका। अगर ग्रह युद्ध की ओर देश अग्रसर हुआ तो ना आप रहेंगे ना ये समाज रहेगा, भारत का अस्तित्व उसी दिन खतरे में आ जाएगा। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि सच्चाई की ओर अग्रसर होकर के हम लोगों की व्यवस्था, हम लोगों के कार्य या हम लोग जितने भी सही और गलत काम इस देश के अंदर करते हैं, हम लोग न्याय के लिए लड़ते हैं या न्याय के लिए लड़ते हैं, ये आप बिल्कुल सत्यता से प्रचारित प्रसारित करना शुरू कर दें। क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों ने हत्या का सिलसिला जो रोहित वेमुला नजीब वहां से स्टार्ट कर करके, अब मुझे लगता है कि गली गली में हत्याएं होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जितने लोग भी हैं जो अंबेडकरी मूवमेंट की बात करते हैं, जो बहुजन की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इवन इसमें पत्रकार भी सम्मिलित हैं। क्योंकि जब आम पब्लिक का व्यक्ति मर सकता है तो मेरा मानना यह है कि पत्रकार भी मर सकता है। ये लोग, क्योंकि आप लोग ही बहुजन मूवमेंट की बात सबको दिखाने का काम करते हैं, आप लोग ही बहुजनों की बात समाज तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, तो साथियों नंबर आपका भी है। मेरी 18 तारीख की देश के सभी मनपसंद लोगों से, प्रत्येक दलित संगठन से, ओबीसी संगठन से, मुस्लिम संगठन से, इवन जनरल के वो संगठन जो वाकई इस देश में शांति और अमन चाहते हैं, मेरा आह्वान है उन लोगों को 18 तारीख में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आप लोग पहुंचे और सरकार के दमन की आखिरी हद क्या है वो देखें। आप सब लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।